कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर युवा अध्यक्ष राहुल छगन पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। वहीं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर यूथ कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष कुणाल राउत ने भी केक काटकर राहुल छगन पाटिल को जन्मदिन की बधाई दी। विशेष तौर पर आपको बता दें कि राहुल छगन पाटिल जो कि भिवंडी शहर में युवकों को एक अलग मार्ग पर ले जाने वाले व्यक्ति हैं। इनके कार्य की प्रशंसा यहां पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता करते हैं। फिलहाल आप जो तस्वीर में भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कि भिवंडी शहर में कई गुटों में बटी हुई है, लेकिन इनके जन्मदिन के अवसर पर सारे लोग एक मंच पर आकर दिखाई दिए, जहां आप देख सकते हैं कि लगभग कई दर्जनों केक काटा गया। विशेष तौर पर राहुल छगन पाटिल को बधाई देने के लिए कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रानी अग्रवाल, उनके साथ में आप देख सकते हैं कि छगन पाटिल, साथ ही साथ रेहाना अंसारी, कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर राउत, रेहान खान, इकबाल सिद्दीकी, जावेद फारूकी, अहमद शेख, उद्योगपति रोहित छगन पाटिल, साकिब अंसारी सहित भिवंडी शहर के अलग अलग क्षेत्रों से सैकड़ों युवक राहुल छगन पाटिल को जन्मदिन की बधाई देने के लिए वहीं साथ ही साथ राहुल छगन पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। जहां आपको बता दें कि मेडिकल कैंप, साथ ही साथ अनाथ बच्चों के बीच में जाकर राहुल छगन पाटिल ने केक काटा और उनके लिए एक दिन की भोजन की व्यवस्था भी की। वहीं आपको बता दें कि मित्र परिवार के घर घर जाकर राहुल छगन पाटिल केक काटते हुए दिखाई दिए। मस्तिग्रास युवक कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल पाटिल साहेब, समाजसेवक, नगरसेवक, आज अपने विद्याश्रम मस्तिग्रास विद्यार्थ्यांसाठी व्हेज नॉनव्हेजचे जेवण दिले। त्यांचे वाढदिवसानिमित्त त्यांनी आज अपने विद्याश्रम मस्तिग्रास हा आजचा कार्यक्रम ठेवला व त्याबद्दल त्यांना पुढील भावी आयुष्यात त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण हो व अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांना गुलाबपुष्प देऊन वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। मैं राहुल को, ये मेरे छगन भाई जो हैं मेरे भाई हैं माने हुए, और उनका बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है। उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दिया कि अभी आप उसका भविष्य देखें, और मैं हमेशा उसको वही समझाती हूँ कि राजनीति में रहना है तो किस तरह से राजनीति करना चाहिए, ठंडे दिमाग से, गुस्सा कम करके और सबको साथ लेके, हर जाति धर्म के लोगों को, सभी को साथ लेके चलना चाहिए। मैं उसको हमेशा समझाती हूँ, और मैंने जो राहुल में उसके नेचर से देखा है, मैंने गुस्सा भी किया है, प्यार से भी बच्चे के जैसे समझाया है, लेकिन ये इसका आने वाला भविष्य उज्जवल है। ये हमारे भिवंडी का भविष्य बनेगा, ये आमदार भी बनेगा और ये खासदार भी बनेगा। ये मैं आज इसको यहाँ पर इतने लोगों के बीच में मेरा आशीर्वाद देती हूँ कि ये आगे जाके इसका जो पॉलिटिकल माइंड है, पॉलिटिकल जो इसका व्यू है, जो इसकी सोच है, वो बहुत अच्छी है। और ये मैंने देखा इसके साथ में जो बच्चे रहते हैं, वो हर जाति धर्म के बच्चे, छोटे बड़े सब उसको दिल से मानते हैं। मेरे यहाँ पर घर पे एक दो वर्कर कल आए थे तो वो बोले कि हम यहाँ राहुल पाटिल जी के वार्ड में रहते हैं, तो मैंने पूछ लिया कि क्या सिचुएशन है, क्या है, वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्या है। बोले नहीं, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनको जिता के लाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, और मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा और मैं राहुल के साथ हूँ, तन मन धन से, यहाँ से दिल्ली तक मैं उसके साथ हूँ। मैडम, जैसे कि आपने कहा कि राहुल जो है राजनीति कैरियर में अपनी एक अच्छी भविष्य बना रहे, शायद वो तस्वीर भी यहाँ पर दिखी कि सारे कांग्रेस पार्टी जो भिवंडी शहर में बिखरी हुई है, आज एक मंच पर उनके जन्मदिन पर दिखाई दी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तस्वीर, विशेष तौर पर खाली तस्वीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। नहीं, ये यूथ का जिला अध्यक्ष है और चुना हुआ जिला अध्यक्ष है,
तो जिला अध्यक्ष को आना जरूरी होता है और वो आए यहाँ पर, और भी बाकी सब सेल के पदाधिकारी अध्यक्ष यहाँ पर आए, जिला के पदाधिकारी यहाँ पे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यही है कि एक तार में सबको पिरो के चलना, सबको लेके चलना, इसी को शाबाशी बोलते हैं, इसी को राजनीति।